बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में बीएसपीआर थ्योरी पढ़ रहे हैं और उस बीएसपीआर थ्योरी की सहायता से अलग अलग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा दो स्ट्रक्चर को हम देखने वाले हैं और ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक CLF3 है और एक आपका SF4 है। सबसे पहले इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद हम क्या देखेंगे कि इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो एक एक करके हम शुरू करने वाले हैं। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें। आपके लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपकी आपको इस तरह की वीडियो और बना के देनी है या कोई कमेंट्स भी हो तो उसको भी आप लिखा करें। ऐसा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा जो है मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। तो अब एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस किसको करने वाले हैं, CLF3 को। तो CLF3 सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि CLF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और अगर डिस्टॉर्टेड है तो डिस्टॉर्टेड कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इस बात को भी हम ध्यान देंगे। तो CLF3 देखिए, जो सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि सेंट्रल एटम क्या है। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे Cl है, यानी Cl को आपको सेंटर में लेना होगा। तो सेंट्रल एटम क्या हो गया, Cl हो गया। और ये फ्लोरीन जो होगी क्या हो गए, इससे जुड़े हुए एटम हुए। तो सबसे पहले Cl अगर है सेंट्रल एटम तो सबसे पहले Cl का लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिख लीजिए। कैसे लिख लीजिए, तो देखिए 1s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे, 2p6 लिखेंगे, 3s2 लिखेंगे और 3p5 देखिए। 17 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 5, 17 17 इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिया है। अब देखिए होता क्या है, तीसरा सेल ये है, देखिए तीसरा सेल ये है 3s एंड 3p। एक ही सेल के जितने ऑर्बिटल हैं वही हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि उस सेल की एनर्जी बराबर रहती है। अब ऐसा कभी नहीं होता है कि 3s का जो ये है ये 2p वाले के साथ हाइब्रिडाइज्ड होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो 3s 3p और अगर 3d की आवश्यकता पड़ेगी तो 3d भी लिया जाएगा। एक ही सेल में जितने ऑर्बिटल हैं उन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये बात कहीं किताब में नहीं लिखी मिलेगी आपको, ये बात यहां समझने वाली बात है। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन जा देखिए, अब इलेक्ट्रॉन देखिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन देखिए 3s का इलेक्ट्रॉन 2 है और P का इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे दिखाएंगे, तो P में देखिए 3 ऑर्बिटल्स हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 2, 3, 4, 5 ऐसी कंडीशन है। अब इस कंडीशन को अगर आप ध्यान देंगे तो खाली एक ऐसा ऑर्बिटल है जो खाली है, केवल एक, यानी कहने का मतलब है एक एटम ही इलेक्ट्रॉन अपना दे पाएगा और वो इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। यानी अगर इसको देखा जाए तो क्या बन सकता है, केवल बन सकता है CLF, यही बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन बनाना क्या है, CLF3 बनाना है, यानी कम से कम आपके पास 3 ऑर्बिटल होने चाहिए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन Cl का होगा। ऐसा इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ये काम करना है तो यानी फिर क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना होगा। कहां करना होगा, तो अब होगा कहां पे, तो देखिए 3p यहां पर है लेकिन अभी भी 3d ऑर्बिटल जो है ये खाली है, भले ही इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन 3d तो पाया ही जाएगा। देखिए ऐसा 1, 2, 3, 4 और एक और 5, ये खाली है। ऐसा अब हमको क्या करना है, हमको 3 और सेल चाहिए, 3 ऐसे ऑर्बिटल चाहिए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसा तो क्या किया जाएगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है, कितना आपको चाहिए, 3 चाहिए ना, तो एक ही करिए, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां कर दीजिए। तो एक ये अनपेयर्ड हो जाएगा, एक ये अनपेयर्ड हो जाएगा और एक ये अनपेयर्ड हो जाएगा। यानी क्या करिए, जब एक्साइटेड स्टेट में दिखाइए, देखिए यहां पर अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में दिखाएं, इसको हटा दूं, देखिए अब क्या लिखेंगे, ये तो ग्राउंड स्टेट में है, इसका ये ग्राउंड स्टेट है, अभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा भाई, ग्राउंड स्टेट है इसका। लेकिन Cl का, यही Cl का एक्साइटेड स्टेट है, अब ये एक्साइटेड मतलब एनर्जी मिल गई है और अभी रिएक्शन में जाने वाला है। ऐसा
तो बाकी ऑर्बिटल तो सेम होंगे, यानी 1s2 वैसे ही होगा, 2s2 भी वैसा होगा, 2p6 भी ऐसा होगा, 3s2 देखिए 3s2 के पास दो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल पाए जाएंगे, फिर आपका आएगा कौन सा ऑर्बिटल, 3p आएगा, 3p का दिखा दीजिए भाई, तीन ऑर्बिटल थे तो तीनों दिखाइए, लेकिन इस बार एक 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 और एक इलेक्ट्रॉन और, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे कलर से दिखा दें, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है यहां दिखा दीजिए ऐसे, यानी कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जब आप डी को दिखाइए, देखिए डी को दिखाइए, देखिए ऐसे डी को दिखाइए ऐसे, तो क्या दिखाइए कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां हो गया भाई, यहां हो गया है, जो ट्रांसफर हुआ उसको मैंने रेड कर दिया है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल यहां था, ट्रांसफर होके यहां हो गया है। अब क्या होगा, अब इन ऑर्बिटल की मिक्सिंग होने जा रही है, हाइब्रिडाइजेशन होने जा रहा है, कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, तो देखिए ये 3p है और ये कौन सा भाई, ये 3d है, तो कौन कौन सा होगा, एक s होगा, 3p होगा और एक d होगा, यानी कुल मिला के कितना होगा, कुल मिला के देखिए इतने ऑर्बिटल होंगे ऐसा, यानी एक s, 3p और एक d, और इनका जब कॉम्बिनेशन होगा तो उस कॉम्बिनेशन से जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गए हैं उतना ही बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 नया बनेगा, तो जब 5 नया बनेगा तो 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया 5 नया। अब इस 5 नए में देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ये दो इलेक्ट्रॉन ये वाला है, इसमें एक है, इसमें एक है और इसमें एक है ऐसा, तो ये पांचों को मैंने बना दिया है। अब ये पांचों क्या हैं, कौन कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुआ है, एक s, 3p और एक d, यानी ये कंडीशन है sp3d, कौन सा ऑर्बिटल कहते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसे कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल इसे कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहां देखने को मिलेगा आपको। अब देखिए जब कंडीशन कौन सी होगी, जब कंडीशन होगी CLF3 की, यानी कंडीशन है अगर CLF3 की, ऐसी कंडीशन है, तो अब देखिए तीन फ्लोरीन हैं, हर एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहीं पर आएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां और देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां, ये तो जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है वो किसके इलेक्ट्रॉन है, वो इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, तो जो डॉटेड रेड मार्क है वो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते समय मिले हुए हैं, तो ऐसे आप बना देंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया भाई, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन है यहां पर ऐसा, और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री आती है वो ज्योमेट्री कैसी आती है, तो जो ज्योमेट्री होती है वो होती है कैसी, ट्राइगोनल और बाईपिरामिडल, बाईपिरामिडल ऐसा, तो कैसा होगा ज्योमेट्री भाई, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में होना चाहिए, और अगर ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है तो कैसा दिखना चाहिए, दिखना कैसा चाहिए भाई, तो अगर हम देखने की बात करें तो कैसा ये दिखना चाहिए, तो अगर आप इसको नोट कर लिए तो ठीक है, थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा कई जगहों से, यहीं पर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने जा रहा हूं, तो हटा रहा हूं मैं इसे, देखिए अगर आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट करने से ऊपर से हटा रहा हूं, देखिए यहां से हटा दे रहा हूं मैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है हमें, तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, देखिए स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए भाई, तो स्ट्रक्चर में एक भाई ट्राइगोनल है तो एक बनेगा ऐसा ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में बाई से सेंटर में कौन आएगा, सीएल आएगा ऐसा। अब देखिए यहीं से समझिए, देखिए 5 ऑर्बिटल इसके सराउंडिंग्स में हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, और इस 5 में से 2 ऐसे हैं जो लोन पेयर हैं, मतलब ये बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो जो लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स हैं, देखिए लोन पेयर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन को देखिए ऐसे दिखा दीजिए ऐसे,
और बाकी जो होगा, बाकी एक फ्लोरीन यहां होगा, एक फ्लोरीन यहां होगा, एक फ्लोरीन यहां होगा, ऐसा। तो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन 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 अब क्या आने वाला है भाई, अब आने वाला है कौन सा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर, यानी अब आने वाला है लोन पेयर, लोन पेयर क्या चीज, रिपल्सन, और ये रिपल्सन सबसे अधिक है ना भाई। एक आप लोगों को मैंने ऑर्डर बताया हुआ है, इसके पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये रिपल्सन सबसे अधिक है। अगर ये रिपल्सन सबसे अधिक है, इसका मतलब अब ये स्ट्रक्चर नहीं रह जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। क्यों चेंज होने वाला है, क्योंकि इधर से इसको ये रिपल करेगा और इधर से रिपल ये करेगा। तो जो बॉन्ड एंगल कितना कितना होना चाहिए था, बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, तो प्लेन में होना चाहिए 90 डिग्री, इस प्लेन में नहीं, प्लेन में 90 नहीं होगा, प्लेन में 120 होगा, प्लेन में 120 होगा, इस प्लेन में, ये इस प्लेन में 120 का होगा, और ये जो परपेंडिकुलर एंगल है वो 90 का होता है, ऐसा। ये बाइपिरामिडल के केस में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये बाइपिरामिडल से क्या होगा, चेंज होने वाला है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है रिपल्सन के बाद वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है टी शेप्ड। कैसा हो जाएगा भाई, टी के आकार का हो जाएगा। कैसे टी के आकार का हो जाएगा, देखिए बॉन्ड एंगल इतना चेंज हो जाएगा कि ये सीधा ऐसे हो जाएगा और एक टी ऐसे लग जाएगा। तो इस आकार का आपको बॉन्ड एंगल, इस आकार का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि एक्चुअल में जब रिपल्सन हो जाएगा तब स्ट्रक्चर कैसा हो जा रहा है, तब देखिए स्ट्रक्चर कैसा हो जा रहा है, एक फ्लोरीन यहां और एक फ्लोरीन यहां आएगा और एक फ्लोरीन देखिए यहां आएगा, टी के आकार का, ठीक है, ऐसा भाई, ऐसे बना हुआ टी, ऐसा बना हुआ टी है, ऐसा ऐसा बना हुआ टी, इस आकार का देखने को मिलेगा। तो आकार होना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है, और इस रिपल्सन के कारण कैसा हो रहा है, शेप टी शेप्ड हो रहा है, और टी शेप्ड के नाते क्या होगा, यहां पर बॉन्ड एंगल भी चेंज होने जा रहा है। और बॉन्ड एंगल चेंज होकर कितना हो जा रहा है, तो बॉन्ड एंगल चेंज होकर हो जा रहा है 87, देख लीजिए, लिख लीजिए 87.6 डिग्री, दोनों साइड का बॉन्ड एंगल कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 87.6 डिग्री, ऐसा। तो ये CLF3 के स्ट्रक्चर को आपको डिफाइन करना होगा, पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा, पहले बताना होगा कि भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर होना चाहिए था, लेकिन चूंकि लोन पेयर रिपल्सन है, इसलिए VSPR थ्योरी कहती है कि इस रिपल्सन के कारण इसके स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन आएगा, इररेगुलरिटीज आएंगी, और इस इररेगुलरिटीज के कारण क्या होगा, इसका शेप हो जाएगा टी शेप्ड और बॉन्ड एंगल घट के हो जाएगा 87.6 डिग्री का। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में आप इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और इतना इंफॉर्मेशन जो है दे सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं यहां से। अब जो है अगला स्ट्रक्चर देखने वाले हैं SF4 का। अगर हम SF4 का स्ट्रक्चर देखें तो पहले ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन SF4 में क्या पाया जा रहा है। तो लिखने जा रहे SF4 को, तो अगर हम बात करते हैं SF4 की, तो फिर से डिसाइड करना होगा कि सेंट्रल एटम कौन है। सेंट्रल एटम सल्फर है, तो अगर सेंट्रल जो है सल्फर एटम है, तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 16 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, 3p4 10 2 12 4 16 ऐसा हो जाएगा। जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते हैं, लिखने में दिक्कत आ रही है, मैंने एक डाला हुआ है अबाउ प्रिंसिपल, आप ही लोग इस सेक्शन में डाला हुआ है अबाउ प्रिंसिपल, आपके कोर्स में भी है, आप उसको देख करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझें, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ऐसे बच्चे जिनको दिक्कत आ रही है लिखने में, वो इसका अबाउ प्रिंसिपल जो है उसको देखें कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स को देख लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे हैं। तो देखिए 3s2 में कंडीशन ऐसी है और 3p4 की कंडीशन है, तो तीन ऑर्बिटल्स हैं, देखिए ऐसे
एक दो तीन और एक इलेक्ट्रॉन यहां और है, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या है, अभी भी 3d ऑर्बिटल खाली है। देखिए अभी भी 3d ऑर्बिटल इसके पास खाली है, एक और है ऐसा, ये खाली एम्प्टी है। अच्छा बनाना इसको क्या है, SF4 बनाना है। SF4 का मतलब है चार फ्लोरीन के एटम है, और हर एक फ्लोरीन का एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। वो इलेक्ट्रॉन जहां शेयर करेगा इसका मतलब है चार ऑर्बिटल इसके पास होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन अभी कितने ऑर्बिटल है भाई, एक और दो ही है, यानी फिर क्या बन सकता है, बनने को अगर ऐसे देखा जाए तो खाली बन सकता है SF2, SF4 नहीं बन सकता है। तो SF4 बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा डी में, ऐसा। तो क्या हो जाएगा, तब एक दो तीन और चार ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे इसके पास। तो यानी फिर लिखना पड़ता है कि भाई देखिए सल्फर जो है जब ये किस स्टेट में होगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा, इस स्टेट में। तो उस कंडीशन क्या आएगी, तो ये कंडीशन देखिए, ये तो ठीक है, ये 3s सही है, 3s2 का आ गया। और यहां क्या होगा, ये p वाले में क्या होगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, देखिए ऐसे। और ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है डी में। यानी कहने का मतलब है कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, डी में एक इलेक्ट्रॉन जो है और आ गया है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हुआ यहां कर दे रहे हैं, यानी यहां एक कम कर लीजिए, वैसे देखिए नहीं यहां का तो रहेगा ही, यहां का तो रहेगा ही, ये क्यों कम कर रहे हैं, ये 3s है, 3p है, ये 3p है, और ये क्या है, 3d है, ऐसा। अब देखिए भाई बनाना है SF4, तो देखिए चार खाली हो गया, एक दो तीन चार खाली हो गया, यानी जो फ्लोरीन का आपका चार इलेक्ट्रॉन आने वाला है, एक दो तीन चार, इसी चार में आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब क्या बनेगा, SF4 बनेगा, ऐसा। तो उस कंडीशन में क्या देखने को आपको मिलेगा, उस कंडीशन में देखने को मिलेगा कि ये जो 3s है अपनी जगह रहेगा। अब देखिए ये 3p वाला जो है, ये 3p वाला है, इसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक एक, और 3d वाला भी ले लो भाई, ये 3d, ऐसा ऐसा एक। तो अब क्या करिए, पहले हाइब्रिडाइजेशन दिखा दीजिए कि इनका क्या है भाई, इनको हाइब्रिडाइज किया गया है ऐसा, और सब मिलकर के क्या बना लिए हैं, सब मिलकर के क्या कर लिए, एक दो तीन चार पांच ऑर्बिटल बनाए हैं बराबर एनर्जी का, यही तो हाइब्रिडाइजेशन है और क्या है, देखिए बना लिया। और हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा भाई, हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा एस, एक एस है, 3p है और एक डी है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसा है, sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन है। और जो ऑर्बिटल्स हैं इनको कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स हैं, ये जो ऑर्बिटल पांचों बने हैं। और अब जब SF4 का केस आप दिखाइएगा, SF4 यहां लिख दीजिए, SF4 का केस ऐसा, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स देखिए, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है। अब अगर फ्लोरीन के चार एटम्स हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को जब दिखाना है, तो मैं देखो रेड से दिखा रहा हूं और डॉटेड दिखा रहा हूं, देखो ये फ्लोरीन के हैं भाई, ये फ्लोरीन वाले हैं, ओके। तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि sp3d है इसका हाइब्रिडाइजेशन, और इसका स्ट्रक्चर तब कैसा होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए ट्राइगोनल, अभी देखा गया है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ये स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए ऐसा। लेकिन 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 ये तो तब होगा ना जब सेंट्रल एटम जो है खाली बॉन्ड पेयर से घिरा है, जैसे देखिए ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, क्यों ये बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल क्यों है, क्योंकि ये बॉन्ड का निर्माण कर रहा होगा। लेकिन देखिए एक ऐसा ऑर्बिटल है जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये क्या है, ये लोन पेयर है। तो यानी यहां कंडीशन कैसी है, यहां कंडीशन है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। यानी अगर हम SF4 देख रहे हैं तो SF4 में क्या देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का क्या चीज, रिपल्सन। अब ये रिपल्सन यहां देखने को मिलेगा आपको, और जब ये रिपल्सन देखने को मिलेगा तो फिर कुछ ना कुछ चेंज होगा,
क्या चेंज होगा, कैसी आकृति में चेंज होगा, तो होना चाहिए था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन बॉन्ड एंगल में चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि एक ही लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन मॉडरेट है, तो कितना चेंज हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है, देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इतना चेंज हो रहा है कि जो एंगल 90 होना चाहिए था, दो तरह का एंगल पाया जाता ना, एक 120 और एक 90, तो जो एंगल 90 होना चाहिए था वो कम होकर के 89 हो गया है, 89 डिग्री ऐसा, और जो एंगल आपका कितना होना चाहिए था, 120 होना चाहिए था, वो कम हो गया, 104 डिग्री हो गया है, और जो एंगल 180 होना चाहिए था वो कम होके हो गया है 177 डिग्री, तो ये कमी आई है। और स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है, तो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से बदल करके कैसा हो जा रहा है, डिस्टॉर्टेड और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही है, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, थोड़ा सा एंगल का फर्क है, तो एंगल का फर्क जो आपको देखने को मिल रहा है, ये एंगल का फर्क आपको देखने को मिल रहा है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर अगर भूल गए, जस्ट बताया है मैंने कैसा होना चाहिए, अगर आपको कहीं से मिस कर रहे हैं तो देख लीजिए, मैं फिर से बस ड्रॉ कर दे रहा हूं कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और ये बॉन्ड एंगल कहां कहां है ये भी देख लीजिएगा कि कहां कहां पर बॉन्ड एंगल होता है, देखिए ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और अब देखिए एंगल कहाँ कहाँ क्या रहता है, तो देखिए बना देते हैं ऐसे, अब मान लीजिए एक्स कोई है यहाँ पे, तो ये जो एंगल होता है ये इस एक्स के साथ, मान लीजिए यहाँ ए लिख दे रहे हैं, ए एक्स और बी, ये एंगल जो होता है, ये एंगल जो होता है 120 का होता है, कौन सा, ए एक्स बी वाला, ओके okay? और अगर यहाँ मान लीजिए सी लिख दे रहे हैं, तो जो एंगल सी एक्स ए होगा, ये एंगल किसका है, ये है ए एक्स बी का, और एंगल जो है 90 होगा, कौन सा, सी एक्स ए वाला, सी एक्स ए वाला होता है। और देखिए ऊपर से नीचे तक, यानी अगर यहाँ पे हम लिख दें क्या चीज़, यहाँ लिख दें वाई, तो सी एक्स वाई, ये जो सीधा एंगल आप देख रहे हैं ये 180 होता है, सी एक्स वाई ये 180 होता है। अब इन तीनों एंगल में चेंज हो रहा है थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा बहुत, जैसे जो 120 होना चाहिए था, देखिए जो 120 होना चाहिए था वो हो गया 104, ये जो 90 होना चाहिए था वो हो गया 89, देखिए ऐसा, और जो 180 होना चाहिए था वो घट करके हो गया 177, तो बॉन्ड एंगल फिर से कम हुआ है, क्यों, क्योंकि यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन पाया जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं SF4 के लिए, ऐसे डायग्राम ड्रॉ होता है और अपने मन से लिखा जाता है, कोई बहुत ज़्यादा याद और नहीं करना होता है, स्ट्रक्चर बनाया, अब लिख देंगे कि भाई इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग SP3 हाइब्रिडाइजेशन है, SP3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो रहा है, बट मतलब फिर भाई क्या बात है कि भाई BSPR थ्योरी कह रही है कि यहाँ पर एक पाया जा रहा लोन पेयर पाए जाने के नाते लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन पाया जा रहा है, इस रिपल्सन के नाते क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जा रहा है डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर में, और जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो बॉन्ड एंगल्स ऐसे होने चाहिए 120, 90, 180 का, लेकिन बॉन्ड एंगल घट के कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है, और ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, हो गया। तो इजली क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दो दो स्ट्रक्चर को मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में भी आए और आप आसानी से इसको देख सकें, तो कॉपी पेन लेकर के कॉपी में बनाते भी चलिए, बार बार कहता हूँ कॉपी में बनाते चलें जिससे आपको फिर देखना ना पड़े कहीं पर, नहीं तो फिर लास्ट टाइम आप खोजेंगे कहाँ से देखें। वैसे मैं रिविज़न कराता हूँ, रिविज़न क्लासेस देता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा स्ट्रक्चर बताऊँगा। अब मैं आऊँगा तो कहूँगा भाई SF4, तो SF4 में बताऊँगा, खाली हाइब्रिडाइजेशन बता दूँगा, स्ट्रक्चर बना दूँगा बस, अब ये सब नहीं बनाने जाऊंगा दोबारा मैं, तो इसलिए क्या करिए इसको बनाते भी चलिए, बनाते चलेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, और भी बच्चों से आप शेयर करें और बच्चों को बताएं कि रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देन नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसमें और क्या बच गया है, अगर कोई स्ट्रक्चर और बच रहा है इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो उसको बताएंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू।